नीले रकून डॉग, इस बार मैं तुम्हें फिर से चैलेंज देता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम ग्रैनी थ्री में ट्रेन स्किप करके दिखाओ, वो भी ग्रैनी और ग्रैंडपा को बिना मारे। मतलब तुम उनपे वेपन यूज नहीं कर सकते डोरेमोन। गुरिले भैया, मुझे आपका ये चैलेंज एक्सेप्ट है। अरे जी अन, मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। चलो दोस्तों, चलते हैं ग्रैनी थ्री में ट्रेन स्किप करने, वो भी विदाउट वेपन। डोरेमोन, तुम्हें किसने कहा था उस मोटे गोरिल्ले का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए? मुझे तो फिर से ग्रैनी के घर में आना पड़ गया और मुझे तो यहाँ पर बहुत डर भी लगता है। हे पपीता भैया, तो एक नंबर की डरपोक इंसान हो। शिनचैन, मेरा नाम पपीता नहीं, मेरा नाम नोबिता है। कभी तो मेरा नाम ढंग से लिया करो। और चलो, अब हम आ गए हैं तो यहाँ पे हमें ट्रेन एस्केप करना होगा, वो भी ग्रैनी और ग्रैंडपा को बिना मारे। अरे नोबिता, चलो तुम्हारे दिमाग में बात घुस ही गई। चलो चलो आगे चल, ढूंढते हमें क्या मिलेगा। चलो 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 चलो, जल्दी से बाहर को मैं ढूंढता हूँ, यहाँ पर कुछ मिलेगा या नहीं। पहले स्टोन्स कलेक्ट कर लेता हूँ वेपन की से, हमें वो वास भी तो गिराने हैं। चलो चलो जल्दी से, कहाँ गए स्टोन? स्टोन भी नहीं मिल रहे दोस्तों, आज स्टोन को जमीन खा गई, आसमान निकल गए। डोरेमोन, स्टोन भी नहीं मिल रहे, कहीं ग्रैनी और ग्रैंडपा के जादू की वजह से स्टोन खत्म तो नहीं हो गए? अरे नहीं नोबिता, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अलमारी खोलते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। ये देखो, इसमें तो वेपन की है। पुकड़ीमोन भैया, हमें वेपन की तो मिल गई पर हमें स्टोन तो मिले ही नहीं। अरे शिनचैन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें डरने की क्या बात है। जब डोरेमोन है तुम्हारे साथ, वो देखो वो रहा है एक स्टोन, और वो देखो वो बुड्ढा तो आगे जा रहा है। चलो सबसे पहले स्टोन को ले लेता हूँ, और ये देखो ये बुढ़िया भी आ गई वहाँ से। डोरेमोन, तो खड़े खड़े किसका वेट कर रहे हो? तो चलो जल्दी से भागो ना यहाँ से। डोरेमोन डोरेमोन, चलो चलो जल्दी से आगे की तरफ भागो, बच्चा मौका है। वही दोस्तों, मैं भी आ गया तुम्हारे साथ, मुझे तो जान ने भगा ही दिया वहाँ से। सुनियो, तुम तो अभी दूसरी पार्टी में थे तो तुमने अभी पार्टी चेंज कर ली। चलो कोई नहीं, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। सुनियो, सबसे पहले यहाँ से वेपन निकाल देते हैं, और अभी तो हमें वो वॉच भी गिराना है दोस्तों। अरे सुनियो, अच्छा तुमने पार्टी चेंज कर ली, तुम्हारा कुछ तो फायदा हुआ, तुम अच्छा निशाना लगाते हो। सुनियो तो चलो, तुम्हें वो वॉच गिराना पड़ेगा। अरे वाह सुनियो, तुमने तो वॉच अच्छे से गिरा दिया, और अभी तो हमें एक और स्टोन चाहिए। चलो चलो जल्दी से नीचे चलते हैं और स्टोन को कलेक्ट करते हैं, कहीं हमें ग्रैनी ना मिल जाए। चलो चलो दोस्तों, अरे ये क्या, ये ग्रैनी तो यहीं पर हमारे रास्ते में बन गई। पकड़ीमोन भैया, क्या कह अपने बन गई? अरे शिनचैन, मेरा कहने का मतलब था अड़ गई। चलो चलो एक काम करते हैं, अभी यहाँ से हम नीचे कूद जाते हैं, बहुत संभल के कूदना पड़ेगा, बहुत नाजुक काम है ये दोस्तों। ये हो गई हमारी सक्सेसफुली लैंडिंग। तुम सब तो कमाल के हो दोस्तों, मुझे तो पता ही नहीं था। डोरेमोन, अब तो मैं ये आशा करता हूँ कि हमें जल्दी से स्टोन मिल जाए। स्टोन कहाँ गया तू? स्टोन जल्दी से आ जाए, कहीं वो ग्रैनी और ग्रैंडपा ना आ जाए, और मुझे तो ग्रैंडपा से बहुत डर लगता है दोस्तों। पपीता भैया, आपको ग्रैंडपा से डर क्यों लगता है? क्योंकि वो टकला एक नंबर का कंजूस है, बहुत ही बेकार लगता है मेरे को तो गुड्डा। और ये देखो, बातों बातों में तो हमें यहाँ पर स्टोन भी मिल गया है। ये देखो ये रहा स्टोन, चलो जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। अरे नोबिता, हमें संभल कर खेलना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ से ट्रेन एस्केप करना है, वो भी विदाउट वेपन यूज किए। अगर हमने वेपन यूज कर ले तो हमारा चैलेंज फेल हो जाएगा। एक काम करते हैं, लिफ्ट के सहारे ऊपर को चल लेते हैं। चलो 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 चलो, ये लिफ्ट भी तो ग्रैनी और ग्रैंडपा के दिमाग की तरह एकदम धीरे है। अरे दोस्तों, इस बार भी निशाना मैं ही लगाऊंगा, तुम्हें नहीं पता कि मेरा निशाना कितना तगड़ा है। और ये देखो, दूसरा बार मतलब पहला बार तो यहीं पे गिर हुआ है, देखा मेरा निशाना दोस्तों, ऊना मैं एकदम बहुत ही बढ़िया निशाने बाज। चलो चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, और वो दूसरा वास भी तो गिराना है, कहाँ गया और वास के बच्चे? चलो चलो जल्दी से, अब ये राज उधर जाके निशाना लगाता हूँ दोस्तों, इधर से यहाँ से परफेक्ट एंगल बनेगा। ए, 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 ये लगा निशाना दोस्तों, क्यों है ना मेरा निशाना एकदम तकड़ा है। नुनियो भैया, आपका पजामा तो एकदम अच्छा ही। अरे शिनचैन, क्या कहा तुमने? पजामा? पजामा क्या अच्छा है? अरे अच्छा शिनचैन, तुम निशाना कहना चाह रहे होंगे और तुमने पजामा बोल दिया। कोई नहीं शिनचैन, मैं इतने भी खास नहीं नुनियो भैया, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, अभी तो हमें यहाँ से संभाल के लैंडिंग करनी पड़ेगी। और ये देखो दोस्तों, ये कर दिया हमने सक्सेसफुली लैंडिंग। और नोबिता, तुम्हारा तो दिमाग आजकल खूब चलने लगा है डोरेमोन के साथ रहकर। सुनियो, लोमड़ी जैसी से गल के चल, अपनी बकवास बंद कर। और वो देख, नीचे टकला हमारा इंतजार कर रहा है, और वो देख, वो टकला कैसे गोली मार रहा है। अरे नोबिता, अभी हमें बिल्कुल भी शोर नहीं करना है, नहीं तो वो बुड्ढा हमारे शोर की वजह से वहाँ से जाएगा नहीं। वो देखो, वो बुड्ढा अभी जा रहा है, तो अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा।
बुड्ढा चला गया, चलो चलो जल्दी से नीचे कूद जाते हैं दोस्तों। और वो देखो बुड्ढा तो सच में चला गया, और अभी हमें और करना क्या है, अभी तो हमें एक और स्टोन चाहिए ही होगा। चलो चलो जल्दी से स्टोन कलेक्ट करते हैं। एंड और मोहन पर ये तो नो वेपन चैलेंज है ना, मतलब हमें ग्रैनी और ग्रैंडपा को मारना नहीं है ना, तो तुम पत्थर क्यों कलेक्ट कर रहे हो डोरेमोन? अरे नोबिता तुम कैसी बातें करते हो, क्या तुम्हें इतना नहीं पता तुम ग्रैनी खेलते हुए बूढ़े हो गए, और तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे ये स्टोन की जरूरत क्यों पड़ी? वो देखो ग्रैनी वहां से जा रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे स्टोन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नीचे एक शीशा है, उसे तोड़ने के लिए हमें पत्थर की जरूरत पड़ेगी। डोरेमोन मैं समझ गया, मैं तो याद ही नहीं था। पपीता भैया अब तो एकदम से बहुत बड़े बुद्धू हो। और दोस्तों इस बार मैं निशाना मैं ही लगाऊंगा, इस शीशे को तो मैं ही उड़ाऊंगा। और ये देखो दोस्तों और ग्रैनी यहीं पर है, देखो दोस्तों मैं कितना बेखौफ हूँ, मतलब मैं किसी से नहीं डरता। देखो ग्रैनी वहीं पर है और मैंने देखो निशाना लगा दिया और शोर भी क्या पड़ दोस्तों, वो देखो ग्रैनी अभी तक नहीं आ पाई। और ये देखो दोस्तों ग्रैनी आ गई। अरे दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, ये जो नीचे क्रोबार रखा है इसे बिल्कुल छूना, अगर हमने ये क्रोबार को छुआ तो ग्रैनी यहीं पर आ जाएगी। अरे हाँ डोरेमोन तुमने सही कहा, अभी ये क्रोबार की वजह से दरवाजा लॉक है, अगर हमने क्रोबार को उठाया तो ग्रैनी वापस आ जाएगी। भाई भाई ग्रैनी आंटी पकड़ी मोन भैया, चलो एक बार मैं ये उठा कर देखता हूँ। अरे ये क्या, यहाँ पर तो शुरू हो गई पकड़ी मोन भैया, क्या हो गया, ये देख ग्रैनी आ गई। अरे शिनचैन तुम एक नंबर के गधे हो क्या, क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, मैंने कहा था उस क्रोबार को मत छूना तब भी तुमने छू दिया शिनचैन। अरे सुनियो छोड़ो आप पछताए हो क्या, जब चिड़िया चूक गई खेत, शिनचैन अब से ऐसे गलती बिल्कुल भी मत करना। डोरेमोन हमारा एक दिन बर्बाद हो गया और अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर, अब हमारा क्या होगा डोरेमोन, क्या हम बिना ये चैलेंज एक्सेप्ट कर पाएंगे डोरेमोन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं डोरेमोन? अरे नोबिता अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी तुम मेरा काम देखना, ये देखो ये रहा क्रोबार, इस क्रोबार को उठाते हैं और जल्दी से ऊपर चलते हैं, जहाँ से हमें वो कॉइन मिलेगा और कॉइन से हम वो टिकट ले पाएंगे। चलो चलो जल्दी से उस सीक्रेट रूम में चलेंगे, उस सिलेंड्रीना के रूम में चलेंगे और देख लेंगे आज जो भी होगा। और ये बुड्ढा तो बाहर ही खड़ा है, चलो इस बुड्ढे को जाने देते हैं। और चलो 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 दोस्तों चलो जल्दी से हमें चलना पड़ेगा। नोबिता तुम इतने धीरे क्यों भाग रहे हो? डोरेमोन मेरी स्पीड इतनी है। पपीता भैया आपसे तेज तो मैं भाग लेता हूँ, और आपसे तेज तो हिमावरी भाग लेती है, और हिमावरी से तेज तो ही शीरू भाग लेता है। शिनचैन तो तुम हमें ये क्यों बता रहे हो, सब मेरा मजाक उड़ाते है डोरेमोन। अरे नोबिता कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा तो तुम्हारा मजा है, चलो जल्दी से लिफ्ट को पकड़ते हैं और सबसे ऊपर को चलते हैं दोस्तों। और आज तो हमें और टिकट भी चाहिए, और उसके बाद तो बहुत ही कम चीजें रह जाएंगी जो हमें ढूंढनी पड़ेंगी, और फिर हमारा ट्रेन स्किप कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। रे अरे हाँ डोरेमोन तुमने सही कहा, चलो चलो अरे कहाँ गया वो, अरे हाँ ये रहा वो बक्सा है, ए देखो डोरेमोन मुझे इसमें कोकोनट मिला है, और मुझे पक्का यकीन है कि इसमें हमें वो कॉइन ही मिलेगा। चलो चलो जल्दी से वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे इन कोकोनट को काट जाता है। चलो 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 जल्दी से यार, ये लिफ्ट कितने धीमे है दोस्तों। पकुड़ी मोन भैया कि मैं इस कोकोनट को खा सकता हूँ, ये इसके अंदर से पानी निकलेगा। अरे शिनचैन तुम कैसी कैसी बातें करते हो, इस कोकोनट में से कॉइन निकलेगा और उस कॉइन के बदले में टिकट मिलेगा। शिनचैन तुम भी कैसी कैसी बातें करते रहते हो, और ये देखो ये बुढ़िया तो हमारे पीछे ही पड़ गई, चलो जल्दी से इस कोकोनट को लगाते हैं। और वो हो गया, वो कोकोनट को हमने काट दिया और जल्दी से उसमें कॉइन निकला, उसे कलेक्ट भी करना है। सबसे पहले ग्रैनी को चकमा देते हैं, आजा ग्रैनी आजा, और ये दे दिया हमने ग्रैनी को चकमा, उन्हें मैं बहुत होशियार। चलो चलो जल्दी से कॉइन को उठाते हैं, और कॉइन भी मिल गया, और चलो जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। दरवाजा बंद, अरे यार वो दरवाजा तो बंद हुआ ही नहीं दोस्तों। एंड और है मोहन, चलो जैसे तैसे करके हमें कॉइन तो मिल गया, हम जल्दी से इस कॉइन को वहाँ पर डालते हैं और ट्रेन का टिकट लेते हैं, और फिर वो रोबोट हमें कुछ नहीं कहेगा। मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता है ग्रैनी और ग्रैंडपा के सड़े हुए घर में आकर, और यहाँ पर तो ट्रेन भी है, पता नहीं कितनी चीजें ऐड करेंगे। चलो इस कॉइन को यहाँ पर डालते हैं, रेड वाला बटन दबा दे और ये आ गया टिकट। अरे दोस्तों चलो हमें ट्रेन का टिकट तो मिल गया, अभी तो हमें उन वास को वहाँ पर रखना पड़ेगा, मतलब अभी हमें वो पजल भी सॉल्व करनी पड़ेगी दोस्तों। एक काम करते हैं जल्दी से अपने वास को वहाँ पर रख देते हैं बिना कोई शोर के, जिससे ग्रैनी और ग्रैंडपा को पता भी ना लगे और हम अपना काम करते हैं। पकुड़ी मोर भैया ये अच्छा प्लान है, चलो चलो ये रहा हमारा पहला वास, चलो चलो जल्दी से किचन में चलते हैं, इनमें पानी पड़ते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। और ये बंदी मैंने इसमें पानी, अब बस मुझे डर है कि कहीं हमें रास्ते में कोई अड़चन ना आ जाए। अड़चन तो होगी ही,
कह रही है क्या, कोई भी अड़चन नहीं है इस बार? चलो ये तो फिर काफी अच्छी बात हुई दोस्तों, मेरा तो लगा ग्रैनी नीचे आ रही है। चलो चलो कोई नहीं, ग्रैनी नहीं आई नीचे तो अच्छा ही हुआ। एक काम करते हैं, चलो ये वास कर यार, ये वास तो यहाँ पे रख दिया, बस एक और वास की अब एक और देरी है। हाँ भाई दोस्तों, वास तो हमें कलेक्ट हो गए पर पेड़ों की कहाँ पर मिलेगी दोस्तों? डोरेमोन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे नोबिता मुझे पता है पेड़ों की कहाँ पर मिलेगी, तुम पहले ये वास तो वहाँ पर लगा रही है क्या? ग्रैंडपा बूटा हमारे पीछे पड़ा है, चलो चलो जल्दी से दरवाजा बंद करो और यहाँ दरवाजे के पीछे चुप करते हैं। और ये रही यहाँ पर पेड़ों की, मैंने कहा था ना पेड़ों की चिंता मत करो। चलो तुम हमारे किसी काम तो आए डोरेमोन, और ये क्या बुड्ढे को तो बिल्कुल भी चैन नहीं है, दरवाजा खोलने पे लगा हुआ है। चलो चलो यार, ये बुड्ढा जल्दी से कब जाएगा? डोरेमोन और उसके दोस्त आजकल मेरे घर में ज्यादा ही देखने लगे हैं, अगले बार आए तो इनको देखूंगा और छोड़ूंगा। डोरेमोन तुमने सुना, ये बुड्ढा क्या फोल कर गया, ये हमें देखेगा और छोड़ेगा भी नहीं है। वो बुड्ढा तो पागल है, तुम बेकार उसकी बातों पर ध्यान देते हो, और एक काम करते हैं पेड़ों की यहीं पर फेंक देते हैं दोस्तों, और अपना वो जो वास है उसमें पानी भरकर उसे उसकी सही जगह पर रख देंगे और वो पजल को सॉल्व कर देंगे। दे रहा दोस्तों हमारा वो वास, चलो चलो जल्दी से इस वास को उठाते हैं और जल्दी से इसमें पानी भरते हैं, और एक काम करते हैं ज्यादा लंबे रास्ते से नहीं अपने शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे दोस्तों। और ये रहा हमारा शॉर्टकट रास्ता, चलो चलो ये रहा हमारा शॉर्टकट, और ये भरा मैंने इसमें पानी, और पानी भरने के बाद हम जिसे उसकी पजल में सॉल्व कर देंगे, और अभी हम स्मार्ट वर्क करेंगे, और अभी हम ज्यादा घर के रास्ते से नहीं बाहर के रास्ते से जाएंगे। और ये देखो ग्रैनी को तो बिल्कुल भी चैन नहीं है, इधर उधर भटकती रहती है। डोरेमोन तुमने सही कहा, क्या ग्रैनी को घर में कुछ करने के लिए नहीं है, क्या ग्रैनी को बर्तन नहीं है धोने के लिए? खैर ग्रैनी को छोड़ो, चलो चलो जल्दी से पजल को सॉल्व करते हैं। चलो चलो इसे जल्दी से मैं वहाँ पर लगा देता हूँ। ये लग गया, ये लग गया, और मुझे तो लगता है यहाँ पर बुड्ढा आ गया। अरे ये देखो दोस्त, ये तो बुड्ढा है यहाँ पर, अब हम क्या करें? अरे ये क्या पगड़ी मोहन भैया, ये क्या हो रहा है? ये बुड्ढा हमें मार क्यों नहीं रहा, और ये क्या हम दीवार के अर पर कैसे हो गए? दोस्तों ये सब मैंने ही किया था, देखा और हम कैसे बच गए, और वो देखो बुड्ढा तो एकदम से गायब ही हो गया। और ये देखा दोस्तों, अरे ये क्या, अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या, अरे ये क्या दोस्तों? अरे सुनियो, ये सब तुमने किया था, तो ये सब तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो वहाँ पे मर भी गए। अरे डोरेमोन वो सब मैंने नहीं किया था, पता नहीं वो कैसे हो गया, कोई ग्लिच वगैरह होगा ना गेम का। खैर छोड़ो, डोरेमोन अपने आगे के काम पे ध्यान देते हैं, जल्दी से यहाँ से ताला खोलते हैं और इस सड़े हुए घर से बाहर निकलते हैं। सुनियो वही कोशिश करने की ट्राई कर रहे हैं। चलो 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 चलो, कहाँ गई हमारे पेड़ों की? हमारे पेड़ों की से कुछ जल्दी से उठाते हैं और वहाँ से वो ताला खोलते हैं, मतलब वो पजल में से देखते हैं हमें क्या मिलेगा। कोई ट्रेन स्केप से जुड़ी हुई चीज ही मिला है, ये खोल दिया। और ये क्या, ये तो हमें इलेक्ट्रिक स्विच मिला है। चलो ये भी काफी अच्छी बात हो गई दोस्तों, हमें इलेक्ट्रिक स्विच मिल गया, अब तो हमें ट्रेन स्केप करने में काफी ज्यादा आसानी होगी, और अब तो बस हमें एक ट्रेन की और एक एक्सीलरेटर चाहिए। अमिता तुमने सही कहा, अब तो हमें एक ट्रेन की और एक एक्सीलरेटर चाहिए। पहली बार तुमने कोई अकलमंद की बात की है नोबिता। डोरेमोन अब तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी डोरेमोन। अरे नोबिता वो सब हमें ग्रैनी के कौवे से मिलेगी, और ग्रैनी के कौवे को मुझे भगाने का तरीका पता है, माचिस। और ये फायरवुड तो मैंने यहाँ पर पहले से ही लगा रखी थी, माचिस को मैंने लगाया और वहाँ पे आग लग गई। और जल्दी से ग्रैनी के कौवे के पास चलते हैं, बहुत ही ज्यादा बलता रहता है वो, और तो उसके पिछवाड़े में एकदम आग लग गई होगी। डोरेमोन मैं और कुछ भी नहीं चाहता, बस मैं यह चाहता हूँ कि हम किसी भी तरह चैलेंज जीत जाएं। और ये देखो शेड़की मिल गई, चलो चलो जल्दी से यहाँ से सावधानी से नीचे उतरते हैं। और ये हो गई हमारी अच्छे से लैंडिंग दोस्तों। अरे नोबिता अब तो तुम भी काफी अच्छा करने लगे हो, चलो कोई नहीं ऐसे ही आगे बढ़ते रहना नोबिता, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चलो 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 जल्दी से इलेक्ट्रिसिटी वाला रूम खोलते हैं और देखते हैं हमें इसमें से क्या क्या मिलेगा। चलो ये खोल दिया मैंने ताला। अरे ये देखो, और ये देखो हमें एक्सीलेटर मिल गया। ये पकड़ी मुन भैया, बस अब हमें ट्रेन की चाहिए, और उसकी बातों हम इस घर से ट्रेन स्कीप कर लेंगे। अरे हाँ सिंचन तुमने सही कहा, चलो जल्दी से एक्सीलेटर को वहाँ बेसमेंट में फेंक कर आ जाते हैं, मतलब रख कर आ जाते हैं। और ग्रैनी तो अभी बाहर है, और ग्रैंडपा बुड्ढे का तो पता नहीं वो कहाँ पर है, चलो हमें उनसे कोई भी मतलब नहीं, जल्दी से बेसमेंट में चलते हैं, इसको फेंकते हैं और ट्रेन की का देखते हैं ट्रेन की हमें कैसे मिलेगी।
चलो 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 जल्दी से ऊपर चलते हो। और अभी तो हमें सिलेंडर ना को उसका टेडी भी वापस करना है, हमने उनसे वादा जो किया था। डोरेमोन, तुमने सिलेंडर ना से कब वादा किया था कि तुम उसका टेडी उसको वापस दोगे? अरे बता, तुमने समझोगे, ये रहा इसके अंदर है सिलेंडर ना का टेडी, एक बार लिफ्ट को ऊपर ले आता हूँ। और ये देखो, ये रहा सिलेंडर ना का टेडी। और अरे ये क्या, लिफ्ट अभी नीचे आ रही है, मुझे लगा लिफ्ट पहले से ही नीचे है, मतलब अभी तो लिफ्ट नीचे आएगी। टेडी को इधर फेंक देता हूँ। और ये देखो ग्रैनी तो एकदम गुस्से में आग बबूला होकर आ गई। और ये क्या यार, ये जल्दी से लिफ्ट भी नहीं आ रही यार, जल्दी से। अरे चलो दोस्तों लिफ्ट आ गई, चलो यहाँ नीचे बैठ जाता हूँ। डोरेमोन, मैंने तुम्हें कहा था ना ये टेडी वाला पंगा मत लो, पर तुमने तो मेरी मानी नहीं। मुझे तो पता था ग्रैनी हम सबका पीछा नहीं छोड़ेगी अगर हम उसका टेडी छुएंगे तो। अभी तक तो वो शांति, अब तुमने उसका टेडी छीन लिया, मतलब उसका टैडी चुरा लिया, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। और ये ग्रैनी तो अब यहाँ से जाने का नाम भी नहीं ले रही है। अरे ये क्या, ग्रैनी तो यहाँ से चली गई। अरे नमिता, तुम भी फालतू में ज्यादा ही टेंशन लेते हो, लिफ्ट का बटन दबा दिया और चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं सिलेंडर ने हमें बदले में क्या देंगे। क्या पता वो हमें ट्रेन की ही दे दे तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। अरे दोस्तों, क्या पता इस सिलेंडर को कोई भी भरोसा नहीं है ना, क्योंकि है तो वो एक भूत नहीं, क्या पता वो अपना वादा पूरा ना करे। खैर छोड़ो, टैडी को यहाँ पर डालते हैं और इस सिलेंडरना का 2-3 मिनट तक रोना धोना होगा, उसके बाद क्या सिलेंडरना गायब। और देखते हैं इस सिलेंडरना में क्या देकर जाएगी। और भाई ये क्या, ये तो हमें सेफ की देकर गई है, और देखते हैं सेफ की से हमें क्या मिलेगा। मुझे लगता है हमें ट्रेन की मिलेगी, सुनियो, क्योंकि अभी तक हमें ट्रेन की ही नहीं मिली, बाकी हमें सब मिल चुका है, पर देखते हैं क्या मिलेगा। चलो चलो यहाँ से जा रहे, ये क्या, हम तो आगे नहीं बढ़ पाए। अरे यार ये क्या, हमारा तो फालतू में ही टाइम वेस्ट हो गया। डोरेमोन चलो छोड़ो, इसको टाइम वेस्ट नहीं करते, लिफ्ट का बटन दोबारा से दबाते हैं और जल्दी से ऊपर चलते हैं और देखते हैं सेफ की से हमें क्या मिलेगा। अरे हाँ नोबिता, देखते हैं सेफ की से हमें क्या मिलेगा। चलो चलो ये मिल गई हमें हमारी सेफ की, पर देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ट्रेन की ही मिल जाए, कोई ट्रेन एस्केप से रिलेटेड सामान ही मिले। और देखते हैं, खोलते हैं, ये चाबी लग गई। और ये देखो दोस्तों, ट्रेन की मिल गई, तो काफी मजा आ। जल्दी से ट्रेन एस्केप करते हैं दोस्तों, अब तो मेरे से इंतजार ही नहीं हो रहा चैलेंज जीतने का। चलो चलो जल्दी से नीचे चलता हूँ, जल्दी से बेसमेंट में चलते हैं, बस ग्रैनी और ग्रैंडपा ना आ जाए। डोरेमोन तुमने सही कहा, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि हम ये चैलेंज पूरा कर लेंगे अगर ग्रैनी और ग्रैंडपा हमें दिक्कत ना दें तो। चलो 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 जल्दी से अपनी ट्रेन की को यहाँ पर ले चलते हैं और अपनी ट्रेन की से अब हम अपने सारे काम पूरे कर लेंगे दोस्तों। चलो चलो, ये दरवाजे तो खुल गए ट्रेन के, और ये ट्रेन की को भी हमने वहीं पर फेंक दिया। और चलो चलो जल्दी से अपना एक्सेलेटर ले आते हैं, क्योंकि एक्सेलेटर के बिना तो ट्रेन ही नहीं चलेगी। अरे नोबिता बस करो अपनी ये बकवास, जल्दी से एक्सेलेटर उठाते हैं और जल्दी से नीचे चलते हैं। वैसे भी हमारे पास बस 1-2 दिन ही बचे हैं, फालतू में टाइम वेस्ट मत कराओ नोबिता। चलो चलो जल्दी से काम करते हैं, पहले यहाँ पे सब दरवाजे बंद कर लेते हैं, नहीं तो जब बारी आएगी ट्रेन को स्टार्ट करने की तब ये हमें रुकावट देंगे। एक्सेलेरेटर को यहाँ पे लगाया, और हमारी ट्रेन की कहाँ गई? अरे ये रही हमारी ट्रेन की। चलो चलो जल्दी से ट्रेन की को यहाँ पे लगाया, एक्सेलेरेटर दबाया और निकल गए हम। आज तो हमारे बेइज्जती हो गई, उन्होंने तो हमें गन भी नहीं मारी और तब भी हम उन्हें नहीं रोक पाए।